हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं होंडा की तरफ से आने वाली एक नई स्कूटर होंडा फोर्जा के बारे में। होंडा ने ऑफिशियली इसका टीजर दिया है, यानी कि ये स्कूटर कंफर्म इंडिया में लॉन्च हो रही है। तो आज हम इसी स्कूटर के बारे में बात करने वाले हैं, देखेंगे क्या है इसकी स्पेक्स, कब ये लॉन्च होगी और इसकी प्राइसिंग हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लास्ट तक देखिएगा। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो होंडा फोर्जा दो वेरिएंट्स में इंडिया में लॉन्च होगी, एक फोर्जा 300cc और एक फोर्जा 125cc। जो फोर्जा 300cc है उसमें हमें एग्जैक्टली 279cc का सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा, जो कि लिक्विड कूल्ड होगा। ये इंजन 25.1 PS की पावर प्रोड्यूस करेगा 7000 RPM पे और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा 5750 RPM पे। वहीं जो 125cc वाला वेरिएंट है उसमें हमें एग्जैक्टली 124cc का लिक्विड कोल्ड इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 15 PS की पावर प्रोड्यूस करेगा और 12.5 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। ये स्कूटर ड्यूल चैनल ABS के साथ आती है। फ्रंट में हमें 15 इंचेस के टायर देखने को मिलते हैं, जबकि रियर टायर है वो 14 इंचेस का है। बाकी टायर साइज की डिटेल्स आपकी स्क्रीन के सामने है। फ्रंट में हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंस देखने को मिलता है, रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं। ये एक मैक्सी स्कूटर है, तो उस हिसाब से इसमें काफ़ी सारे अट्रैक्टिव फीचर्स हैं, जैसे इसमें क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, USB चार्जिंग का भी फीचर यहाँ पे मिल जाता है। और इसकी जो सामने की विंडशील्ड है ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, यानी आप बटन दबाएंगे तो विंडशील्ड ऊपर होगी और दूसरा बटन दबाएंगे तो विंडशील्ड नीचे होगी। इसे आप अपने हिसाब से कुछ बटन दबा के सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका, वो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है, यानी एक बार आप इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखिए, देखने में काफ़ी रॉयल फील देता है और लगता है कि आप एक मैक्सी स्कूटर चला रहे हैं। एक बटन प्रेस करते ही इसके अंडर सीट स्टोरेज खुल जाती है, जिसके अंदर काफ़ी सारे स्पेस है। इसमें आप दो मीडियम साइज के हेलमेट आराम से रख सकते हैं और उसी बटन को दूसरे साइड घुमाने पर इसका फ्यूल टैंक खुल जाता है। इसमें हमें 11.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। 135 mm की ग्राउंड क्लियरेंस हमें इसमें देखने को मिल जाती है। 780 mm की इसमें सीट हाइट है। तो गाइस, इस मैक्सी स्कूटर के की फीचर्स तो मैंने आपको बता दिए। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो जो 125cc वाला वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग लगभग 1,25,000 के आसपास हो सकती है, और जो 300cc वाला वेरिएंट है, अगर उसका मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं उसकी प्राइसिंग क्या हो सकती है। फिर भी एक उसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है 2.5 लाख रुपीज़। इतने हाई प्राइस की स्कूटर क्या कोई लेगा इंडिया में, ये तो जब स्कूटर लॉन्च होगी तब पता चलेगा। लेकिन ये स्कूटर 300cc की है, 300cc की कैटेगरी की स्कूटर इंडिया में पहली बार लॉन्च हो रही है। इसकी लॉन्चिंग की बात करें तो होंडा ने अपने टीजर में साफ साफ शो किया है कि वो इस स्कूटर को 14 अक्टूबर को अनवील कर रहे हैं, और हो सकता है ये उसी दिन उसकी लॉन्च डेट अनाउंस कर दे, या हो सकता है उसी दिन ये स्कूटर को इंडिया में लॉन्च कर दे। तो जो भी होगा 14 अक्टूबर का हम सबको इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपका इस स्कूटर के बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट करके बताई दो। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लगे हाथ वीडियो को भी लाइक कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।